में स्थित जिला जेल में कैदियों और जेल प्रशासन के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल देर शाम के वक्त जब डिप्टी जेलर जेल स्टाफ जेल बंद करने की कार्रवाई कर रहे थे, इसी बीच 15 से 20 कैदियों ने डिप्टी जेलर और स्टाफ पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें डिप्टी जेलर सहित अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बंदियों ने रणनीति के तहत ही हमला किया है। वही मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी गई और आनंद फानंद में एसपी सिटी और प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल जिला जेल पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। वहीं इस दौरान घायल कर्मियों को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेज दिया गया है, जहां कई की हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वही मामले की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि डिप्टी जेलर और जेल स्टाफ पर 15 से 20 कैदियों ने हमला किया है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और दोषी कैदियों को दूसरे जनपदों में स्थित जेलों में शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि जेल में कैदियों के बीच में लड़ाई हो गई थी, उसमें दो प्रशासनिक आधार पर आए हुए हैं कैदी, आगरा जेल से और एक कानपुर जेल से, उनका रोल इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे डिप्टी जेलर हैं, एक उनको भी चोटें आई हैं और बीच बचाव करने में जो कैदी थे उनको भी इसमें चोट आई है। बाकी इनका जेल के अंदर अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं एक्चुअल कारण क्या थे, क्या उसमें नहीं थे। इसमें जो कुछ भी इंडस्ट्रीट करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है हमारे द्वारा। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।